सो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आप वहां से भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ क्या करना है, सो दैट -1 + √3 i का क्यूब इज अ रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करने के बाद आपको i का टर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि i का टर्म आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर i नहीं है देन इट इज जस्ट अ रियल नंबर, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका केवल क्यूब क्यूब फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है, सिंस z इक्वल टू -1 + √3 i का क्यूब, हमें क्या करना है यहाँ पे एक्सपेंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का क्यूब क्या है, a क्यूब + 3 a स्क्वायर b + 3 a b स्क्वायर + b का क्यूब, ये मेरा फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब। अप्लाई कर दो तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू बी इज योर √3 आई प्लस 3 इंटू ए क्या है आपका -1 और बी कितना दिया हुआ है √3 आई का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, बी की वैल्यू स्क्वायर प्लस प्लस क्या है आपका √3 आई का क्यूब। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 का क्यूब इज -1 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 1 आई का स्क्वायर है तो इंटू √3 आई आपका ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा -3 हो गया, 3 इंटू -1 इज -3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका √3 का जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 3 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, इसकी बात करते हैं तो दिस विल बी 3 √3 एंड आई का क्यूब। ठीक है, अभी हमें क्या पता था, वी नो दैट i स्क्वायर इज -1 एंड i क्यूब इज -i, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था राइट, क्योंकि i क्या होता है अंडर रूट -1 तो i स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट का स्क्वायर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, इसलिए i स्क्वायर इज -1। अगर i क्यूब दिया है उसको क्या लिख सकते हो आप, i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर -1 बन जाता है तो मल्टीप्लाई करने पे -i आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा -1 प्लस 3 √3 i। ठीक है, ये क्या हो गया -9 हो जाएगा, 3 3 9 और i स्क्वायर इज योर -1, ये कितना हो गया प्लस 3 √3 और i क्यूब की जगह पे मैं रखूंगा -i, अब फाइनल आंसर क्या आएगा -1 प्लस 3 √3 i, ये हो गया मेरा प्लस 9 और ये हो गया माइनस 3 √3 i। अब देखो यहाँ पे माइनस 3 √3 i यहाँ दिया हुआ है प्लस √3 आई यहाँ दिया, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल, सो फाइनली आई गॉट 8 व्हिच इज अ रियल नंबर राइट, दिस इज अ रियल नंबर, देयरफॉर वी कैन से दैट -1 प्लस 3 प्लस √3 आई क्यूब इज अ रियल नंबर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 16 सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टू 16 मतलब आगे के 11 क्वेश्चन हमें क्या करना है, सिर्फ आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब आई के बड़े बड़े पावर दिए रहेंगे और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये अपने को फाइंड आउट करना है, क्या कर लिखेंगे, जेड इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन आई, हमें कभी भी डिनोमिनेटर में आई नहीं चाहिए राइट, हमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए नहीं, यहाँ पे आई है मुझे आई नहीं चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई बाय आई अपॉन आई कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा आई स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 है तो डिनोमिनेटर से मेरा आई बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या लिख सकते हैं आई रेज टू 6 है, हमेशा याद रखो आई का कितना भी बड़ा सा पावर दिया है उसको तुम सबसे पहले आई रेज टू 4 का मल्टीपल लिखो, i raise to 4 का पावर क्योंकि i raise to 4 is 1 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं i raise to 4, ये 6 है तो उसका और पावर तो है नहीं, 8 से ऊपर होता तो हम इसको स्क्वायर या क्यूब कर देते हैं, इसको लिखेंगे i raise to 4 into i का स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो i raise to 4 into i का क्यूब। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा 1 प्लस i का पावर 11 दिया है ना, 11 में क्या लिखोगे i raise to 4 into 2 और 2 जा 8 मतलब i का पावर 8 हो गया, बचा कितना i का पावर 3, इसको साइड में रख दो
मैंने ये क्या क्या इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 to 16 आपको यही करना है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा 3 + 2i / i², ठीक है। और इन सब में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। i का पावर 4 कितना होता है? 1। i का पावर 4 कितना होता है? 1। i स्क्वायर इज -1, माइनस यहाँ पे 1। i क्यूब कितना होता है? ये मैंने किया। अभी क्या करते हैं, हमें क्या पता है, सिंस i स्क्वायर कितना होता है? -1। i का क्यूब क्या होता है? -i। i रेज़ टू 4 क्या होता है? 1। ये तीनों हमें पता है, राइट। इनमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 + 2i / क्या है? i² है। i स्क्वायर की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? -1। ये मेरा पहला ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट क्या दिया हुआ है? आई रेस टू 4 है। 4 का मतलब हुआ 1, राइट। आई स्क्वायर है, उसको क्या लिखेंगे? -1। माइनस यहाँ पे क्या दिया है? आई रेस टू 4 मतलब 1। आई क्यूब क्या होता है मेरा? -i। आई क्यूब क्या है? -i है। सो नाउ द थर्ड ब्रैकेट इज 1 + 1² क्योंकि i था इसलिए 1 का स्क्वायर हो गया और i क्यूब इज योर -i, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो दिस विल बिकम, यहाँ सबका राउंड ब्रैकेट कर लो, ये सब राउंड ब्रैकेट ही देना पहले, चल इसको सकते, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 3 - 2i, ये हो गया मेरा फर्स्ट। यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज -1 और दिस इज +i, -1 +i। नेक्स्ट 1 - i, ये मेरा क्या तक आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, क्या लिखेंगे इसको? मैंने इसको 3 ऐसे रखा, 3 - 2i, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना, या फिर जाने दो, दोनों को डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? -1 - 1 - 2i + i, i - i + i, i - this is - i². मैंने क्या किया, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से यहाँ पे क्या है, i स्क्वायर है ना, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो पहले। ये क्या हो जाएगा? 3 - 2i। ये क्या है? -1 है और i है यहाँ पे, हम इसको लिख देते हैं -1 + 2i, और ये क्या हो जाएगा? -1 - -1, क्योंकि i स्क्वायर होता है मेरा -1। सो दिस विल बिकम 3 - 2i * ये मेरा -1 है और ये हो जाएगा +1, तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2i आएगा। ये दोनों कैंसिल, समझा कैसे हुए? ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम 6i - 4i². i स्क्वायर है यहाँ पे भी, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो क्या हो जाएगा? = 6i - 4, जो i का स्क्वायर दिया है वो क्या होता है? -1 होता है। मैंने यहाँ -1 रख दिया तो आंसर आ गया 6i + 4, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है? 4 + 6i। क्वेश्चन यही बोला था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू है भाई 4 + 6i। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना भी बड़ा दिया हो, i के कितने भी पावर दिए हो, एट द एंड वो किस फॉर्म में आएगा? a + bi, इतना सिंपल है ना। नेक्स्ट वन, सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आप देखोगे यहाँ पे i के बड़े बड़े पावर दिए हुए, राइट। मैंने आपको समझाया था i का कितना भी बड़ा पावर दिया हो, उसको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसको 4 के पावर के मल्टीपल में लिखना है, 4 के पावर के मल्टीपल में, क्योंकि 4 का जितना भी मल्टीपल होगा ना वो कितना हो जाएगा? 1। 4 का पावर अगर मिल गया तो वो कितना है? 1। उसके बाद क्या बच सकता है? या तो i बचेगा या i² या i³, क्योंकि उससे ज़्यादा हुआ तो 4 का मल्टीपल ही बन जाएगा। तो i² रहा तो वैसे छोड़ देंगे, i² रहा तो उसी हमें -1 रखेंगे, एंड i³ रहा तो उसी हमें क्या रखेंगे? -i, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको मैं i रेज टू 4 का कितना पावर होगा?
अगर बहुत बड़ा नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो इस 35 को 4 से डिवाइड कर दो। इस 35 को डिवाइड बाई क्या करो, 4। तो कितना आएगा, 8 टाइम्स आएगा ना, और एक बचेगा भी, 8 टाइम तो पूरा पूरा जा रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ इसका पावर 8, क्योंकि 8 फोर जा 32 बचा कितना 3। तो और क्या ले सकते हो, इंटू आई का पावर 3। सिंपल, अब मैंने आपको बताया है आई रेस्ट टू 4 इज 1, तो 1 का पावर 8। आई का क्यूब क्या होता है, माइनस आई। फाइनल आंसर क्या है, माइनस आई। सिंपल, इसका बता दो सेम चीज है, आई का पावर 4, इसका होल पावर कितना आएगा, 100। 4 × 100 = 400, बचा कितना क्यूब बचा, उसको लिखेंगे आई का पावर 3। ये हो गया 1 का पावर 100 इंटू माइनस आई। फाइनल आंसर इज अगेन माइनस आई। ये करें, इसमें क्या दिया हुआ है, पावर माइनस में दिया हुआ है, माइनस में दिया है, रहने दो। सबसे पहले अपना क्या करो, आई का पावर 4 करो, तो आई इज टू 4 कितना पावर होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 आएगा ना, तो माइनस 2 × 2। तो इसको क्या ले सकते हैं, 1 का पावर माइनस 2 × 2। ये हो गया 1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या था, एक एक आई दिए हुए थे राइट, लेकिन 8 में क्या दिया हुआ है, मल्टीपल दिए हुए हैं, तो सबको इसी मेथड से सॉल्व करना है। आई का पावर 30 है, इसको लिखेंगे आई का पावर 4 × 7, 7 × 4 = 28, बचा कितना आपका 2, तो लिखेंगे आई स्क्वायर। समझ में, नेक्स्ट आई का पावर 4 द होल पावर 10 हो गया, प्लस आई का पावर 4 × 12 = 48, वैसा कितना 2, तो आई का स्क्वायर हो गया, प्लस आई का पावर 4 × 15 विच इज कम्प्लीटली 60। नाउ वी कैन से 1 raised to 7 × −1, आई स्क्वायर इज वॉट, माइनस 1 ना, देन आई रेज टू 4 is 1, so 1 raised to 10 plus 1 raised to 12 into minus 1 plus 1 raised to 15, 1 का पावर कुछ भी रखो 1 ही होगा, so हमें i raised to 4 वाले तो भूल ही जाना है। ये समझ गया आंसर कितना है, इसका माइनस 1 आ गया, इसका प्लस 1 आ गया, इसका भी माइनस 1 आया और यहाँ से प्लस 1 आया, 2 माइनस है 2 प्लस है, तो आंसर कितना आएगा 0। सिंपल है, मैंने आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 16 सब मिला के यही है, आई के बड़े बड़े टर्म दिए हुए हैं और उनको हमें सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे 4 सम कराए 7th के, बाकी 4 आप कर सकते हो, इसी तरह से सिमिलर दिया हुआ है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होता है, सो दैट 1 + i raised to 10 i raised to 20 i raised to 30 इज अ रियल नंबर। हमने यही क्वेश्चन किया, इसी जैसे था, इंस्टेड ऑफ 10 20 30 we have solved with i raised to 60 70 80 right, jo pichla question kiya ye aap aaram se kar sakte ho। next find the value of, same question hai, sirf i raised to 4 ke multiple mein likho aur usko phir solve karo। question number 10 similar hai almost, lekin fir bhi main isko karke dikhata hu aapko, kyunki kya karoge aap, agar main bolunga isko solve karo to kya karoge aap, isko i raised to 4 ka multiple likhoge, fir isko bhi i raised to 4 ka multiple likhoge, itna sara calculation karne baithoge right, lekin hum isko aur simple kar sakte hain। What we can say, ये चीज दिया हुआ है ना, कितना है 592, 590, 588, 586, 584, सबसे छोटा कौन सा है, I raised to 584, मैं I raised to 584 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने I raised to 484 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या होगा, सारे पावर माइनस हो जाएंगे ना, उतना 484 92 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, I raised to 8, बराबर है ना। ये क्या हो जाएगा आपका आई रेस टू 6 हो जाएगा, ये मेरा आई रेस टू 4, ये आई रेस टू 2 और ये मेरा 1 हो गया। अब ये कैसा सिंपल हो गया ना। नेक्स्ट ये कितना है, 82 80 78 74 एंड 76 एंड 74 है, मैं आई रेस टू 574 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी सेम चीज मुझे लग रहा है, आई रेस टू 8 बच जाएगा, समझो ना 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हो गया आई रेज टू 6 प्लस आई रेज टू 4 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 1, क्या हो गया, ज्यादा सिंपल नहीं था, ये सेम था ना, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 584 माइनस 574, आई कितना हो गया आपका 10, तो
आपको सिर्फ आई रेस टू 10 की वैल्यू निकालनी है, वो क्या हो जाएगी, आई रेस टू 4 का पावर 2 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, आई रेस टू 4 इज 1, सो 1 का स्क्वायर और आई स्क्वायर इज -1, सो फाइनल आंसर इज -1। कितना बड़ा क्वेश्चन और आंसर क्या निकला, -1, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई का स्क्वायर, आई का 4, आई का 6, आई 18, डॉट 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 आई रेस टू 20। हमें यहाँ से 1 टू 20 पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों बताता हूँ। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, आई स्क्वायर क्या होगा -1, यहाँ क्या है +1, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। आई रेस टू 4 क्या होगा +1, आई का 6 को क्या लिखोगे आप, आई स्क्वायर इंटू आई रेस टू 4, मतलब बचेगा क्या, आई स्क्वायर ही बचेगा ना। आई रेस टू 8 क्या है, 4 का मल्टीपल है, मतलब क्या हो रहा है, एक 4 का मल्टीपल आ रहा है और एक 4 का मल्टीपल इंटू आई स्क्वायर आ रहा है। बता दो, ये देखो, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस आई स्क्वायर को आप ऐसे रखो अभी के लिए, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, आई रेस टू 4 को भी वैसे रखते हैं, कुछ नहीं करते, बड़े बड़े टर्म को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लस आई रेस टू 6 में क्या लिखोगे, आई रेस का स्क्वायर इंटू आई का पावर 2, राइट ना। प्लस आई रेस टू 8 उसको क्या लिखेंगे, आई रेस टू 4 का होल स्क्वायर, बराबर है ना। प्लस डॉट 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 आई रेस टू 20 क्या होगा, आई का पावर 4 उसका होल पावर 5, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये मेरा 1 है, आई स्क्वायर मुझे -1 होता है पता है, राइट। आई रेस टू 4 क्या होता है, 1, और ये क्या है, आई रेस टू 4 1 हो जाएगा और आई का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, -1, फाइनली क्या आएगा -1, फिर हमें क्या आएगा +1, फिर क्या आएगा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस ऐसे आएगा, फाइनल तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 0। समझा गया क्या, आई स्क्वायर -1 होता है मुझे पता है, इन दोनों का पेयरिंग होगा समझ लो 0 हो जाएगा। आई रेस टू 4 क्या आता है, 1 आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। आई रेस टू 6 को क्या लिख सकते हो, आई के रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 2, आई रेस टू 4 तो हमारा 0 होता है सबको पता है, ये क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या होगा, आई रेस टू 4 इज 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अगला जो आएगा वो क्या आएगा, आई रेस टू 10, वहाँ पर क्या मिलेगा, आई स्क्वायर जो -1 होगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हमारा पूरा आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट 1 प्लस आई रेस टू 10 आई रेस टू 100 दिस इक्वल टू 0, अब इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर है ना, हमने आई के बहुत सारे टर्म सॉल्व किए, सेम चीज क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आपको, आई के टर्म्स दिए हुए, अब बताना है ये रियल नंबर है, रियल नंबर है इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कोई भी आई का टर्म नहीं बचना चाहिए, सारे के सारे नंबर आने चाहिए, देन वी विल कॉल दिस एज अ रियल नंबर, है या नहीं है जो भी है चेक करके उसको बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, मेथड अपना सेम है। आई रेस टू 37 दिया है तो क्या लिखेंगे, आई का पावर 4 इसका पावर 9 प्लस 9 इंटू 4 इज 36, हमें कितना चाहिए 37, कितना बचा 1, तो हम क्या लिखेंगे इंटू आई, क्योंकि पावर क्या होते हैं ये मल्टीप्लाई होंगे और बाकी बचे हुए ऐड होते हैं। सिमिलर थिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये हो गया आई का पावर 4 और दो होल पावर कितना आएगा इसका 11 आएगा ना, 11 नहीं आएगा 16 आएगा, 16 इंटू 4 इज 64, बचा कितना 3, तो मैं आई का क्यूब ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब तुम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू क्या होती है, आई रेस टू 4 क्या है, चलिए तो यहाँ लिख सकते हो, सिंस आई रेस टू 4 इज 1 एंड आई क्यूब इज माइनस आई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1 रेस टू 9 इंटू आई प्लस 1 अपॉन 1 रेस टू 16 इंटू माइनस आई, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, आई वॉट आई प्लस, तो यहाँ माइनस है तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आई, ये मेरा फाइनल आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, आई है, हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए होता है, राइट, तो हम इसको क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेम चीज़ यहाँ जाएगा, इसको मैंने आई को ऐसे रखा माइनस 1 अपॉन आई और इसको आई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आई माइनस
आई अपॉन माइनस वन, क्योंकि आई स्क्वायर है तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो आई गॉट आई प्लस आई विच इज योर टू आई। सो तुम्हारा इसका फाइनल आंसर क्या है? टू आई, सिंपल। नेक्स्ट ये अपना क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन प्लस आई रेज टू फोर इंटू वन प्लस वन अपॉन आई रेज टू फोर। अब बोलो यार सर इसमें ए प्लस बी का पावर फोर लगाओ और यहाँ भी वो करो, इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर दोनों का सेम है ना, पावर दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या होगा, होल पावर फोर हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, वन प्लस आई इंटू वन प्लस वन अपॉन आई द होल रेज टू फोर, ज्यादा सिंपल है। अब क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे से, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, पहले वन है तो सेम यही आ जाएगा, आई गेट वन प्लस वन अपॉन आई प्लस, अब आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू वन इज माई आई, आई इंटू दिस इज वन, तब इनको मल्टीप्लाई किया और ये कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या हो गया अभी आंसर, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वन अपॉन आई है, वन अपॉन आई क्या लिखोगे तो वन प्लस वन अपॉन आई इंटू मैं आई अपॉन आई कर दिया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में कभी भी आई का टर्म नहीं चाहिए, तो सिर्फ सिंगल टर्म है तो मैं उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो प्लस आई आपका ऐसे रहेगा, वन भी मैंने ऐसे रखा, तो अब ये क्या हो गया, वन प्लस वन इज टू, और ये क्या हो जाएगा, प्लस आई अपॉन माइनस वन, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है मेरा, माइनस वन होता है, मैंने प्लस आई को ऐसे रखा और ये तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, सो नाउ दिस विल बिकम टू, ये हो जाएगा माइनस आई प्लस आई, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया, टू आ गया। सॉरी इसका पावर जो फोर था वो तो मिस कर दिया मैंने, यहाँ आप लिख सकते हो एल एच एस इक्वल टू, एल एच एस इक्वल टू क्या दिया था, ये दिया था, तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, आई गॉट समथिंग लाइक टू माइनस ए, और सब में पावर कितना है, फोर दिया था हमें क्वेश्चन में, ये हो गया टू का पावर फोर जो कि है 16 इक्वल टू आर एच एस, सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम ही है ना जो हमने अभी तक किया वही चीज़ है, कुछ अलग है इसमें नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है 6 7 8 9, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैं आई रेज टू 6 को सीधा कॉमन ले लिया, क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब तो होल अपॉन, यहाँ पे भी मैं आई स्क्वायर चलो कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस आई बच गया, ठीक है सॉल्व कर लो, ये इससे कैंसिल हो गया, पावर 4 आ गया, तो आई का पावर 4 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस आई, आई स्क्वायर क्या होता है मेरा माइनस 1 होता है, और जो आपका आई क्यूब होता है वो क्या है माइनस आई होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, होल अपॉन यहाँ क्या बचा है 1 प्लस आई, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस आई है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर था हम क्या करते हैं उसको उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई करेंगे, ठीक है क्या हो जाएगा, आई रेज टू 4 क्या होता है 1 होता है, ये सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ क्या है मेरे पास 1 माइनस 1 इज 0, आई माइनस आई इज 0, मतलब ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो होल अपॉन 1 प्लस आई, हमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है ये तो हमारा पूरा 0 ही हो जाएगा, मैं यह स्टेप हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ये अपना 0 आ गया, द होल आंसर इज 0, मतलब इसका वैल्यू क्या है 0 है, सिंपल। क्या किया मैंने, सिर्फ कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आएगा, तुम कॉमन नहीं भी लोगे डायरेक्ट वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, डन। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस देन सो दैट ए स्क्वायर इज बी एंड बी स्क्वायर इज ए, कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल दिया हुआ है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसकी बात करते हैं, ठीक है तो निकालो, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की क्या वैल्यू, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए स्क्वायर इज माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, इस पूरे का होल स्क्वायर दिया है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर द होल अपॉन फोर, इसको सॉल्व करने आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को, जहां पे ए की वैल्यू माइनस वन रहेगी, सो क्या हो जाएगा मेरा माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी मतलब थ्री आई,
प्लस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे आपका फोर ऐसे रहेगा। अब इसको तुम सॉल्व करो, ये हो गया मेरा माइनस वन का स्क्वायर एस प्लस वन, ये कितना आ जाएगा माइनस एक, यहाँ आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री आई, क्या आया माइनस टू रूट थ्री आई, ये कितना आ जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, आई का स्क्वायर इज माइनस वन, सो मतलब क्या हो जाएगा ये माइनस थ्री हो जाएगा द होल अपॉन फोर। तो अभी ये क्या बोल क्या मिला माइनस टू माइनस टू रूट टू रूट थ्री आई द होल अपॉन फोर, इधर से टू कॉमन हो सकता है ना, मैं इसे से टू कॉमन ले लिया तो कितना आ गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई द होल अपॉन फोर, टू से आपका ये कैंसिल हो गया राइट। कैंसिल करने के बाद क्या होगा, ये कैंसिल होने के बाद आपका क्या आ गया माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, ये किसकी वैल्यू है बी की है राइट, विच इज इक्वल टू बी, देयरफॉर यू कैन से ए स्क्वायर इक्वल टू बी, क्या ना समझा। नेक्स्ट अभी क्या करना है, इसको प्रूफ करना है ना बी स्क्वायर इज ए, उसके लिए भी सेम चीज करेंगे, क्या लिखेंगे सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना बी स्क्वायर है बी है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर अपॉन फोर, मैंने क्या किया इसका होल स्क्वायर किया राइट। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा माइनस दोनों में है मल्टीप्लाई कर लो ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या करेंगे कट करना है यहां पे, सो यहां पे क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है, ये तुम्हारा समझ लो माइनस वन या फिर दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वन कॉमन हो गया, तो मतलब माइनस वन का स्क्वायर बाहर कर दिया, फिर क्या बचा वन प्लस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर हो गया, मैंने एक स्टेप ज्यादा कर दिया लेकिन माइनस को साइड कर दिया ठीक है, ये स्क्वायर क्यों है क्योंकि अंदर माइनस वन कॉमन लिया उसका होल स्क्वायर था इसलिए बी स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू तो वन ही है तो सोचना ही नहीं है, इसको सॉल्व कर लो ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट थ्री आई प्लस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा स्क्वायर ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मेरा वन प्लस टू रूट थ्री आई ठीक है, ये क्या हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, आई का स्क्वायर इज माइनस वन, तो हो जाएगा ये माइनस थ्री द होल अपॉन फोर, मेरा बन जाएगा ये माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आई होल अपॉन फोर, यहाँ से टू कॉमन लेके डिवाइड कर देना है सिर्फ, टू कॉमन लिया माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन फोर कैंसिल किया यहाँ टू आ गया, अब ये किसकी वैल्यू आई है दिस इज माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू एंड दिस इज नथिंग बट योर ए राइट, सो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ए, प्रूफ हो गया ना सिंपल था, क्या किया मैंने ए स्क्वायर बोला था इसलिए इसको उठाया, इसका होल स्क्वायर क्या सॉल्व किया अपने आप ही आ गया, सेम चीज बी स्क्वायर लिया उसको भी सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद टू कॉमन लेकर डिवाइड कर दो ये आ जाएगा डन। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 23 आपके मोस्टली प्रूफ्स है ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको आता है, जब भी आपका यूनिट टेस्ट होगा सेमेस्टर होगा उसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 23 तक, इसको ध्यान से देखो समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन क्या दिया क्या प्रूफ करना है उस पर ध्यान अभी नहीं देते, लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज गिवन टू अस राइट, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक रूल है हम उससे स्टार्ट करेंगे, क्या दिया है x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी का क्यूब, ए प्लस आई बी का क्यूब, हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, ये हमारा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो इसको ऐसे रखता हूँ मैं, तो x प्लस आई वाई ठीक है इक्वल टू क्या हो जाएगा ये a का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, बी की जगह क्या लिखेंगे आई बी राइट, प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर मतलब आई बी का होल स्क्वायर प्लस आई बी का पावर, याद समझा गया क्या, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए का क्यूब मेरा ऐसे रहेगा
यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3a² b i, ये हो जाएगा मेरा प्लस 3a b² and i² ये क्या हो जाएगा i² ये क्या हो जाएगा मेरा b³ and i³ और मुझे i² and i³ की वैल्यू पता है हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्या हो गया मेरा x+iy a³ + 3a² b i आई जैसा है वैसे रहेगा चेंज नहीं होगा ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 तो इन शॉर्ट बन गया -3ab² आई स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिख दिया आई क्यूब क्या होता है माइनस आई होता है ये हो जाएगा -bqi सो फार सो गुड नेक्स्ट अब ध्यान से देखो ये क्या है ए क्यूब है और यहाँ क्या है -bqi नहीं जहां पे आई वाले टर्म है उनको साथ में रखो जो विदाउट आई है उनको एक साथ रखो मेरा क्या हो जाएगा x+iy = ये इसके साथ आएगा थीटा है a³ - 3ab² बराबर ना ये मेरे क्या है रियल नंबर है नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर में क्या होता है आई के टर्म्स होते हैं तो आई वाले टर्म हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3a² b - bq and i साथ में रहेगा यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या क्या इसको इससे इक्वेट कर देते हैं मेरा x का टर्म क्या आएगा दिस वन और y का टर्म क्या होगा ये होगा यहाँ तक समझा सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू निकालो देयरफॉर x = a³ - 3ab² x वैल्यू आ गई एंड तुम्हारा y = क्या हो जाएगा y = दिस ब्रैकेट व्हिच इज 3a² b - bq So after simplifying the given question, I got the value of x and y. But हमें निकालना क्या है? X and y निकालना है? नहीं. What we have to prove is x/a + y/b is this. कैसे करेंगे? अब इसका LHS ले लेते हैं. तो हमारा left hand side क्या दिया हुआ है? यहाँ मैं line draw कर देता हूँ. So LHS is given as x/a + y/b. Correct? And x and y की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी दी हुई है x वैल्यू a³ - 3ab² द होल अपॉन a नेक्स्ट सॉरी माइनस है प्लस है प्लस नेक्स्ट तुम्हारा y कितना दिया हुआ है 3a² b - b³ दिस इज योर b The whole upon B. अब आप क्या करोगे इधर से a कॉमन ले लेंगे और यहां से b कॉमन ले लेंगे a कॉमन लिया तो हो गया a² - b² द होल अपॉन a और यहां से अगर मैं b कॉमन लेता हूं सॉरी यहां पे मेरा 3 भी है a² - 3b² राइट यहां से b कॉमन लिया तो 3a² - b² द होल अपॉन B, you have answer over here. What is left? We got a² - 3b² + 3a² - b² This is nothing but a² + 3a² = 4a² -3b² - b² = -4b² सही था ये मेरा फाइनल आंसर आया क्या क्या मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसको सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यू निकाल लिया वंस आई गॉट x एंड y आई सब्स्टिट्यूटेड दैट इन माय LHS LHS में x एंड y की वैल्यू निकाला सब्स्टिट्यूट करने के बाद a एंड b कॉमन लेके डिवाइड हो गए फाइनल आंसर मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था सो नाउ LHS = RHS दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है a+3i / 2-i = 1-i यहाँ पे क्या करना है हमें ये प्रूफ करना है ये जो प्रूफ करना है उसको भूल जाते हैं हमें ध्यान रखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए एंड बी लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं ये क्या हो जाएगा मेरा a+3i = 1-i (2+ib) ये तो कुछ नहीं कर सकते ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या करेंगे मल्टीप्लाई a plus 3i
इज नथिंग बट 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आ जाएगा आपका 2 प्लस आई बी माइनस आई सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 2i ठीक है एंड देन माइनस बी आई स्क्वायर ठीक है क्योंकि माइनस था दोनों माइनस हो गए अब हम क्या करेंगे i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 तो a प्लस 3i इक्वल टू 2 प्लस आई बी माइनस 2i माइनस बी इंटू माइनस 1 बी समझा नेक्स्ट a प्लस 3i इज नथिंग बट ये कितना आपका 2 है 2 प्लस इन दोनों में से क्या कर सकते हैं i कॉमन ले सकते हैं सो वी कैन राइट दिस एज अ b माइनस 2 इंटू i b माइनस 2 इंटू i हो गया ये क्या हो जाएगा प्लस b इसको आप इसके साथ देख सकते हो सो व्हाट वी कैन से a प्लस 3i इज नथिंग बट 2 प्लस b जो कि मेरा रियल नंबर है वो साथ में आ गया मतलब विदाउट i वाला टर्म मैंने एक साथ रखा एंड आई वाले टर्म मैंने एक साथ रखा इससे क्या हो गया ये इक्वेशन इसके साथ इक्वेट हो सकता है यस ए इज नथिंग बट नो ए इज गिवन एज 2 प्लस बी इसको आप चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो सेकेंड ये क्या दिया हुआ 3 इक्वल टू दिस 3 इक्वल टू बी माइनस 2 2 इधर आ जाएगा सो 3 प्लस 2 इज बी मीन्स योर बी इज 5 मुझे बी की वैल्यू मिली है ना इस बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा ए हम लिख सकते हैं प्लेस बी इक्वल टू 3 प्लेस बी इक्वल टू सॉरी 5 है सो बी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 बी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 क्या दिया था इक्वेशन 1 ए इक्वल टू बी प्लस 2 था ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 2 ए इज गिवन एज 7 मेरे पास ए एंड बी दोनों की वैल्यू आ गई दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है उस पे जाते हैं मुझे ये प्रूफ करना था राइट तो मैं क्या लिख सकता हूँ एल एच एस कितना दिया है 5 ए माइनस 7 बी मेरा लेफ्ट हैंड साइड है 5 ए माइनस 7 बी ए की वैल्यू आपको पता है 7 b की वैल्यू भी पता है कितना है 5 राइट सो b इज योर 5 सिंपल हो गया सिंपल था कुछ नहीं किया क्या किया मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया तो उससे मुझे a एंड b की वैल्यू मिल गई एक बार a एंड b मिल गया उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 19 डन सो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है इफ x plus i इक्वल टू अंडर रूट a plus ib अपॉन c minus 3 plus id देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है ठीक है सो यहां पे क्या दिया हुआ है x square plus y square यहां क्या है x plus iy अगर मैं इसका कंजुगेट निकालूं तो क्या होगा x minus iy और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कंजुगेट को तो आई विल गेट x square plus y square ठीक है हम क्या करते हैं पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है जो कॉन्जुगेट निकालते हैं लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड देन टेक कॉन्जुगेट यू कैन राइट टेकिंग कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई इक्वल टू हम कॉन्जुगेट निकालें मतलब दोनों साइड का कॉन्जुगेट निकलेगा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई बी ठीक है इट्स कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2 अब क्या करो आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा मेरा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई ठीक है इक्वल टू क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में है इसलिए दोनों दोनों होल अंडर रूट हो जाएगा सो वी कैन राइट इट डाउन ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई बी इंटू ये आएगा ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई बी सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि हम जब कॉन्जुगेट चाहे तो हम दोनों साइड का एक साथ ले सकते हैं तो इसके लिए अब ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया मतलब इनका दोनों का टर्म माइनस के साथ आ गया अब मैंने मल्टीप्लाई किया अब तो मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेम चीज ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर द होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, एक ही नहीं आएगा, सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। यहाँ पे समझा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, सब्सिट्यूट कर देते हैं, आई स्क्वायर माइनस वन सब्सिट्यूट किया क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस वन एंड वाई स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू द होल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वन इंटू बी स्क्वायर, राइट। और द होल अपॉन, यहां पे भी सेम चीज आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस माइनस वन इंटू डी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अभी क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया। यहाँ पे आएंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ तक सॉल्व किया भाई। अब मेरा वो क्वेश्चन देखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स प्लस वाई का होल, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए। मतलब ऐसा क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट माय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस, दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आया? मेन स्टेप सबसे पहले याद रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है एंड तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला है, वो कैसे निकलेगा, इफ आई टेक अ कंजुगेट ऑफ दिस एंड मल्टीप्लाई देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये याद रहेगा तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या दिया है, ए प्लस आई बी इक्वल टू वन प्लस आई एंड वन माइनस आई, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ दिया हुआ है आपको ए प्लस आई बी, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले किया। क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। चलो सॉल्व करते हैं, सबसे पहला स्टेप टेकिंग कॉन्जुगेट। अगर मैं इसे कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा a माइनस आई बी राइट इक्वल टू वन प्लस आई एंड वन माइनस आई, सॉरी कॉन्जुगेट इसका निकालो तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इसको हम इक्वेशन टू बोल देते हैं, ये हमारा इक्वेशन वन मान लो। अब क्या करेंगे, सेम स्टेप राइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज नथिंग बट 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, माइनस आई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, सेम चीज माइनस आई स्क्वायर हो गया इधर 1, यहाँ भी आएगा आपका 1 माइनस आई स्क्वायर, दोनों सेम आएंगे ना, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, यहाँ भी 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो कुछ करने की ज्योति नहीं, इसलिए कैंसिल ही कर दो, वन आ गया। सॉल्व क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ए स्क्वायर ये हो गया माइनस वन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, आ गया आंसर, सिंपल था। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ क्या दिया हुआ है, सो दैट रूट सेवन प्लस आई रूट थ्री अपॉन रूट सेवन माइनस आई रूट थ्री प्लस रूट सेवन माइनस आई रूट थ्री अपॉन रूट सेवन प्लस आई रूट थ्री इज अ रियल नंबर। इसे रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, अभी तक अच्छे समझ गए रहोगे, हमें इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वहां पे आई का टर्म नहीं चाहिए, राइट। और सॉल्व कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हम सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दिस ब्रैकेट इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, और दोनों क्या है सेम है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस विल बिकम रूट सेवन प्लस आई रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस रूट सेवन माइनस आई रूट थ्री का होल स्क्वायर द होल अपॉन, ये क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर से आई खत्म हो जाएगा, और जो ऊपर सॉल्व करोगे तो सब कैंसिल हो जाएंगे आई वाले टर्म और आपको एक नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व कर पाओगे।
यू हैव टू सॉल्व इट राइट। अगर आपने अभी तक देखा है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस आई वाई का पावर 3 इक्वल टू वाई प्लस वी आई देन सो दैट यस। तो हमें इस पे ध्यान देना है, हमारा जो न्यूमरेटर जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इफ कंडीशन, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा राइट। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, सिंस x प्लस आई वाई का पावर क्यू इज y प्लस वी आई, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, विल नॉट वांट टू डू एनीथिंग विद दिस राइट। तो इतना दिया हुआ है, हम क्या करेंगे x प्लस आई वाई क्यूब निकाल लेते हैं। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू आई वाई प्लस 3x आई वाई का स्क्वायर प्लस आई वाई का क्यूब इक्वल टू y प्लस वी आई, ये क्या क्या समझा, ये जो फॉर्मूला था वहां मैंने अप्लाई कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सो सॉल्व कर लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर y i मेरा ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा प्लस 3 x y स्क्वायर r i का भी स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों स्क्वायर थे प्लस y क्यूब एंड i क्यूब इक्वल टू वाई प्लस वी आई, यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट जो भी आई वाले टर्म है उनको साथ में रख लो, पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ठीक है। आई स्क्वायर क्या होगा माइनस वन, आई क्यूब क्या होगा माइनस आई, ये हो गया मेरा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई आई, ये माइनस वन हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 एक्स वाई स्क्वायर क्योंकि आई क्यूब क्या हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस आई, तो आएगा मेरा माइनस y क्यूब i the whole equal to y plus vi। so far so good। next हमारे जितने भी i वाले टर्म है ना उनको एक साथ ले लो, जो विदाउट i है उनको एक साथ, ताकि हम उसको इक्वेट कर सके राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x क्यूब और ये साथ में आ जाएगा माइनस 3x y स्क्वायर, ये मेरा एक टर्म हो गया राइट। इन दोनों में से क्या करेंगे माइनस i, इन दोनों में से i कॉमन ले लेते हैं ठीक है, ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आई, यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है मेरा वाई प्लस वी, याद है समझा, कुछ डाउट है ठीक है। अब क्या करेंगे इन दोनों को इक्वेट करते, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस करके देखें ठीक। तो क्या हो जाएगा मेरा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू ये आएगा राइट इक्वेशन वन से। सो देयरफॉर y इक्वल टू मैं यहां से लिखता हूं y इक्वल टू ये आएगा आपका x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, ये मेरा आ गया y की वैल्यू, v की वैल्यू क्या आएगी जो यहां पे दिया हुआ है, सो माय v इज नथिंग बट 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब ठीक है। अब मेरे पास y एंड v की वैल्यू है, हमें प्रूफ क्या करना था y अपॉन x प्लस यहां x नहीं था यहां क्वेश्चन में v था, v अपॉन y इक्वल टू दिस राइट। तो हम y एंड v की जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो क्या लिखेंगे सबसे पहले LHS which is y अपॉन x प्लस v अपॉन y, y दिया हुआ है मेरे लिए x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर अपॉन x प्लस v क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब अपॉन y। अब आप क्या करो यहां से x कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर द होल अपॉन x करेक्ट, वहां पे भी यही करेंगे यहाँ भी x कॉमन, यहाँ आपका क्या आएगा y कॉमन आएगा, दोनों में y टर्म है ना, सो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल अपॉन y, ये मेरा कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर, आप इसमें से 4 कॉमन ले लो
So x square minus y square. This is my RHS. ये प्रूफ करना था ना. So this is all about question number 23. 23 में हमने ये लिया, जो इक्वेशन दिया था इसको सॉल्व किया, इससे y एंड v की वैल्यू निकाली. ये दोनों का वैल्यू मिल गया, उसका LHS लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे फाइनल आंसर मिल गया. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 24. क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन x, y बिलोंग्स टू R. यहाँ पे हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेट करेंगे आई वाले टर्म एक साथ और विदाउट आई के टर्म, मतलब रियल नंबर एक साथ और इमेजिनरी नंबर एक साथ. ये 4i उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y i इक्वल टू 5 माइनस 4i, इजंट इट? याद समझाएगा क्या? तो क्या होगा आपका, ये इसके बराबर होगा एंड दिस इक्वल टू दिस. क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 2y इज नथिंग बट 5. ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब कॉम्प्लेक्स नंबर भूल जाओ और टेंथ का लीनियर इक्वेशन याद कर लो. इसको सॉल्व करना है, यहाँ x है और यहाँ क्या है, 2x है. तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1. क्यों दिया, ताकि इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाए, राइट? सो दिस विल बिकम 2x प्लस 4y इक्वल टू 10. ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया. अब इनके कोएफिशिएंट सेम है, सिग्नेचर क्या है, सेम है. तो क्या करेंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो हम लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2. मेरा 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4. 3 क्या है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10. मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सिग्नेचर क्या होगा, चेंज होगा, राइट? ये आपका कैंसिल हो गया. माइनस 3 माइनस 4 इज योर माइनस 7y. ये कितना हो गया, माइनस 4 माइनस 10 इज माइनस 14. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 7y इज नथिंग बट योर 14 एंड y इज 14 बाय 7. सो y इक्वल टू मेरा ये वैल्यू आ गई. सेकेंड क्या निकालना है, x. इन इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देता हूं मैं. सो प्लेस y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मैंने क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 5. मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 5 दिया था. मल्टीप्लाई ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5. तो x क्या हो जाएगा मेरा, 5 माइनस 4, x इज माय 1. सिंपल है ये? क्या क्या समझा? इससे हमें x और y की वैल्यू मिली. बेसिकली क्या करना है तुम्हें, इसको सॉल्व करके सिर्फ इक्वेट कर दो, उससे इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व कर दो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 का सेकंड एंड थर्ड. सेकंड का दिया है x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस i, y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस i इक्वल टू r. क्या करेंगे इसको, सेम क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड जो भी i वाले टर्म है उनको साथ में रखो, विदाउट i वाले साथ में रखो एंड जब तुम इसको इक्वेट करोगे तो तुम्हें दो इक्वेशन मिल जाएंगे. तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिलेगी. सेम चीज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है, दोनों से कौन सा करो, सेकंड, राइट? चलो इसको हम सॉल्व कर दें. सो क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते. तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 प्लस आई इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज 2 प्लस 3i होल अपॉन, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. सो 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i, दिस इज नथिंग बट, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 by 13 ब्रैकेट में 1 प्लस i. इसको हम ऐसे रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है. इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x into 2 is your 2x, x minus 3i, x minus 3i, क्या हो जाएगा, 3x i, ठीक है? अभी i y को मल्टीप्लाई करना है, into 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y into i, ये टर्म इसके साथ जाएगा, minus
3y एंड i का स्क्वायर, क्योंकि दो जगह i था, ये किसका सॉल्यूशन हुआ, इन दोनों का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा, 2 2 4, देन 2 × 3 = 6i। अब i का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 2i प्लस 3i का स्क्वायर, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, होल अपॉन विल रिमेन a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट। a का स्क्वायर इज a माइनस बी, b माइनस बी मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गिवन एज 9/13 का 1+i। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया मेरा, ये देयरफॉर 2x ऐसे रहेगा माइनस 3xi प्लस 2yi माइनस 3y स्क्वायर है, तो क्या होगा माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा 3y। तो क्या हो गया 3y, समझा कैसे आया, ये क्या रहेगा आपका 4 ऐसे रहेगा, और ये 6 + 2 = 8, आई राइट डाउन 8i, ये कितना हो जाएगा माइनस 3, राइट, ये हो गया मेरा माइनस 3, तो होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा, अभी माइनस ही रखता हूँ मैं, माइनस नाइन आई स्क्वायर एंड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू 9/13 1+i, इसको सॉल्व कर लो, जितने भी i वाले टर्म इनको साथ रखो, जो बिना i के उनको साथ रखो, इसमें i है नहीं है, तो मैंने इसको साथ में रखा तो मेरा आ गया 2x, और इधर i है ये क्या है 3y + 3y, एंड देन नंबर क्या है 4 - 3 = 1, आई राइट डाउन प्लस 1, ये मेरा एक टर्म हो गया। अब वो वाला टर्म ले लो जिसमें i है, यहाँ i है कितना दिया है -3x, यहाँ भी i है +2y, और 8i है ना +8 × i होल अपॉन 9, और ये क्या है i का स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4+9 हो जाएगा ये, एंड दिस इज द ऑल इक्वल टू 9/13 1+i। ठीक है, अब इसको हम लोग 9/13 लिख दो, एक स्टेप मेरा बच जाएगा, ठीक है, मैंने इसको 9+4 लिखा होता 13 होता है, मैंने इसको इससे कंप्लीट कैंसिल कर दिया, जब मैंने इन दोनों को कैंसिल किया यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x + 3y + 1 - 3x + 2y + 8 × i, दिस होल इक्वल टू 9+9i, राइट। अब क्या हुआ, ये इक्वल टू 9 हो जाएगा और ये इक्वल टू -9, मतलब 2x + 3y + 1 = 9, 1 को उधर भेज दो तो 2x + 3y = 8, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वल टू क्या होगा 9 होगा, मतलब -3x + 2y + 8 = 9, ये उस साइड जाएगा -3x + 2y = 1, ये मेरा इक्वेशन 1 और 2, इसको सॉल्व करने आता है, इसको सॉल्व करो, इससे तुम्हें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का 4th and 5th, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, इफ x into 1 plus i y into this equal to 0 find x plus y, सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लो, i वाले टर्म साथ में रखो, बिना i वाले टर्म साथ में रखो, इक्वेट करोगे तो उससे दो इक्वेशन मिलेगा, उन दोनों को सॉल्व करना है, राइट। एंड सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी है, मैं आपको 5th फॉर्म में दिखाता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा x + y + 15, i का पावर 6 है, इसको क्या लिखेंगे i^4 × i² y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा 7x i³, क्या होता है माइनस i, राइट, ये हो जाएगा मेरा -i × y + 4, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो गया मेरा x + 2y, यहाँ पे क्या आएगा +15 × 1, और i² क्या होता है -1, y इक्वल टू 7x, इसको हम अभी के लिए ऐसे रखते हैं क्योंकि ये अलग से y का टर्म है पूरा का पूरा, ये मेरा रियल नंबर, ये मेरा इमेजिनरी नंबर, यहाँ क्या आएगा ये हो जाएगा मेरा x, और यहाँ पे भी y नहीं है,
एक्स माइनस, यहाँ पे भी मतलब आई नहीं है, एक्स माइनस 15y हो गया एक टर्म, प्लस 2y मेरा सेकंड टर्म, दिस इज इक्वल टू 7x माइनस आई इंटू वाई प्लस 4। क्या था, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी है, यहाँ पे रियल और इमेजिनरी है, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगा, ये इसके बराबर होगा, राइट। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 15y, राइट, x माइनस 15y इज इक्वल टू 7x, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लो, 7 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x प्लस x माइनस 15y इज नथिंग बट योर जीरो, राइट। सो दिस इज माइनस 6x माइनस 15y इज जीरो, मीन्स 6x प्लस 15y इक्वल टू जीरो, डिवाइड में क्या कर सकते हैं, 3, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू जीरो, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, 2y इक्वल टू माइनस y प्लस 4, 2y इक्वल टू माइनस y प्लस 4, तो क्या लिखेंगे इसको, देयरफॉर 2 इक्वल टू, यहां से आएगा ना ये, क्या लिख सकते हैं, सिंस 2 इक्वल टू माइनस y प्लस 4, ठीक है, माइनस इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस 4, सो y इज योर माइनस 6। फाइनली क्या निकला था, x प्लस y, राइट, तो आपका x प्लस y क्या हो जाएगा, x आपको दिया था कितना, हमने फाइंड आउट किया x, x अभी नहीं मिला है, सॉरी, तो वी हैव y एज माइनस 6, चाहिए क्या हमें, x प्लस y, तो जो y की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस y इक्वल टू माइनस 6 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन हमारा ये है, सो 2x माइनस 5 इंटू माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट, तो 2x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो तुम्हारा x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 15, इधर जाएगा माइनस 30 डिवाइड बाई 2 करोगे, x वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 15, तुम्हारे पास y है, तुम्हारे पास x है, चाहिए क्या, x प्लस y, तो यहाँ लिख दो, देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू x की वैल्यू मेरा माइनस 15 माइनस 6, माइनस 15 माइनस 6, सो x प्लस y इज योर माइनस 21, डन। सो दैट्स द एंड ऑफ आर एक्सरसाइज 1.1, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं इस दो वीडियो में, राइट। सो गाइस, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।